गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रीयता के युग पर परिचर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय और इसी के साथ साथ उसका जो प्रारंभिक युग था 1895 से 1905 तक, जो कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का युग था, उस पर परिचर्चा की। आज हम उग्रवाद राष्ट्रीयता पर परिचर्चा करेंगे। जो कांग्रेस का जो प्रारंभिक युग था, जो कि उदारवादियों के हाथ में था, उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता, अंग्रेजों की सहनशीलता पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें पश्चिमी सभ्यता एवं शिक्षा को वह श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिन्हें उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी उसके प्रति उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। वे अंग्रेजों को न्यायप्रिय शासक नहीं मानते थे, वह अंग्रेजों को साम्राज्यवादी एवं अत्याचारी शासक मानते थे। उनका यह मानना था कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वह श्रेष्ठ है और वह राष्ट्रीय शिक्षा जो कि लोकल लैंग्वेजेस पर आधारित हो उस पर बल देते थे। उग्र राष्ट्रवाद के जो प्रमुख नेता थे वह थे अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल और पाल, कई बार ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि लाल, बाल और पाल कौन थे। लाल, लाला लाजपत राय, बाल, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये जो लाल, बाल और पाल थे, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे, जिन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पूर्ण विश्वास था। वह उसे श्रेष्ठ मानते थे और वह अंग्रेजों के साथ सहयोग के स्थान पर संघर्ष की बात को भी स्वीकार करते थे। यह जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, यह इनका अंग्रेजों के साथ, अगर मैं कहूँ तो एक डिसइल्यूजमेंट हो गया था। यह नहीं मानते थे कि हम अंग्रेजों के साथ अगर भिक्षा मांगेंगे या उनसे अपनी मांग कहेंगे तो वह उसको स्वीकार करेंगे। उनका तो उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई गई थी वह उसकी आलोचना करते हुए उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। उनका यह मानना था कि अंग्रेजों से हमें कोई मांग नहीं करनी चाहिए, हमारे अधिकार या भारत की जो भी बात है वह हमारा अधिकार है और उसके लिए हमें संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमारे अधिकारों को प्राप्त करना है, छीनना है, उसके लिए हमें अंग्रेजों से कोई भिक्षा लेने की या उनके सामने अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनको उग्र राष्ट्रीयता की संज्ञा दी गई। इनकी जो कार्य पद्धति थी वह लिबरल यानी उदारवादी जो राष्ट्रवाद थे उनसे अलग थी। वह कहीं पर भी अंग्रेजों से सहयोग की बात नहीं करते थे। इन्हें अंग्रेजी न्यायप्रियता पर भी विश्वास नहीं था और न ही ये पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सवाल ये उठता है कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। बहुत सारे कारण थे उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। हम इनमें से कुछ कारणों को यहाँ पर डिस्कस करें। पहले कारण की हम बात करें वो था 1892 सुधार अधिनियम। अंग्रेजों ने 1892 में सुधार अधिनियम पारित करा। इस सुधार अधिनियम में इतनी कमियां और इतनी अपर्याप्त था यह अपने आप में कि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था इस अधिनियम से असंतुष्ट हुआ। यहाँ तक कि उदारवादी जो नेता थे उनकी भी जो मांगे थी इसमें मांगी नहीं गई। फलस्वरूप उदारवादी नेता भी इस सुधार अधिनियम
के जो थे वो विरोध में आ गए। इस सुधार अधिनियम के अंतर्गत जो निर्वाचन की व्यवस्था तो की गई, लेकिन उसे घुमा फिरा कर किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी उसे सीमित ही रखा गया और परिषद के कार्य और अधिकार भी जो थे उन्हें सीमित ही रखा गया। तो यह जो सुधार अधिनियम था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी नेता और सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सके। अब कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ये बात कहने लगे कि हमें क्रमिक सुधारों की बात नहीं करनी, बल्कि उसके स्थान पर आधारभूत परिवर्तन की बात करनी है और प्रार्थना के स्थान पर हमें आंदोलन की बात करनी है। दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का जो रवैया था, शुरुआती दौर में कांग्रेस जो थी वह अंग्रेजों के साथ सहयोगात्मक नीति अपनाती थी। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो गतिविधियां थी उसका कांग्रेस का और उदारवादी कांग्रेस पर अंग्रेजों का जो रवैया था वह सहानुभूतिपूर्वक था। अंग्रेजों का यह मानना था कि कांग्रेस की गतिविधियां बौद्धिक धरातल पर ही क्रियाशील रहेगी और जब तक वो बौद्धिक धरातल पर ही क्रियाशील रहेगी उनकी जो साम्राज्य है उसके लिए कोई भी चैलेंज उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब कांग्रेस के एटीट्यूड में चेंज आने लगा, जो दूसरा जो वर्ग था कांग्रेस का जो अंग्रेजों के विरोध की बात करने लगे, तो अंग्रेजों का जो एटीट्यूड था कांग्रेस के प्रति उसमें भी परिवर्तन आने लगा। अब अंग्रेज जो थे कांग्रेस के प्रति उन्होंने दमनकारी नीति की शुरुआत की, उन्होंने कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना तक कह डाला। तो जो उदारवादी नेता थे या जो आम भारतीय थे जिनका मानना था कि अंग्रेज जो है उनका कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति रवैया है, तो उन्हें भी ये बात समझ में आने लगी कि यह सहानुभूति केवल मात्र जो है इसलिए थी कि अंग्रेजों को ये लगता था कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगी। तो इससे जो था अंग्रेजों का वास्तविक जो चेहरा था भारतीय जनता के समक्ष वह उजागर होने लगा। तीसरा जो कारण था वह था प्राकृतिक प्रकोप। 1876 से 1900 तक भारत में कई प्राकृतिक प्रकोप आए। 1896-97 में भारत में भीषण अकाल पड़ा। अंग्रेजों का जो रवैया था वह इस अकाल को उबारने के लिए सहानुभूतिपूर्वक नहीं था, उल्टा 1897 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया क्वीन विक्टोरिया की जयंती उत्सव मनाने के लिए, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया, जहां एक और अकाल के लिए जनता को जो है कोई पैसा या कोई सहायता नहीं दी गई अकाल से उबरने के लिए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार में पैसा बहाया गया। इसी तरह से 1897-98 में पुणे के अंदर प्लेग फैला और इस प्लेग से निपटने के लिए अंग्रेजी शासक का जो रवैया था वह भयंकर तरीके से असहानुभूतिपूर्वक था। ऐसा भी कहा गया कि श्री वैद और उनके जो साथी थे वो प्लेग से प्रभावित घरों में जाते, वहां से लोगों को निकालते, उनके घरों को जलाते, उनके कपड़ों को जला देते थे। तो प्लेग से पीड़ित लोगों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया। अंग्रेजों की दमनकारी और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण सामान्य जो भारतीय थे, आम भारतीय जनमानस जो था वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। तिलक ने अपने लेख और भाषणों के माध्यम से अंग्रेजों की आलोचना की, जिस तरह से उन्होंने प्राकृतिक विपदाओं से निपटने की कोशिश करी, फलस्वरूप
तिलक को भी जो था वह जेल भेज दिया गया। रेड और उनकी सेना ने जिस तरह से प्लेग प्रभावित लोगों पर अत्याचार करे, फलस्वरूप जो है उनकी एक नवयुवक दामोदर चाकोरकर के द्वारा रेड की हत्या भी कर दी गई। तो जो असंतोष था भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के प्रति, वो खुलकर सामने आने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक असंतोष। अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, वह नीतियां जो थी वह भारत के आर्थिक विकास के लिए घातक रही। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के हित के विरोध में थी, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में रही हो, लघु उद्योग क्षेत्र में रही हो या कृषि क्षेत्र के अंदर। 1894 में अंग्रेजी शासन द्वारा विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे देशी सामान तो महंगा हुआ और विदेशी जो सामान था वह सस्ते दामों में भारत पर उपलब्ध होने लगा। शिक्षा के कारण भारतीय शिक्षितों की संख्या में वृद्धि होने लगी, लेकिन उनकी योग्यता के अनुरूप जो थे कार्य, वह उनकी योग्यता के अनुरूप जो रोजगार थे वह उसे प्राप्त कर पाने में असफल रहे। A.R. देसाई के अनुसार भारत में उग्रवाद के उदय का प्रमुख कारण शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी से उत्पन्न राजनीतिक असंतोष का। जो भी नीतियां, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में रही हो, चाहे वो लघु उद्योगों के संदर्भ में रही हो, अंग्रेजों द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उसमें भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। कुल मिलाकर भारत का प्रत्येक वर्ग जो था वह आर्थिक असंतोष के दौर से गुजर रहा था। भारत में एक और प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी व अन्य समस्याएं भी पैदा होने लगी थी। उग्रवाद राष्ट्रवाद के उदय के हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें अन्य कारण थे अंग्रेजों में जाति श्रेष्ठता की भावना। अंग्रेज जो थे वह भारत में रहकर भारत के पैसों से ही यहाँ पर फल फूल रहे थे, लेकिन वह स्वयं को भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे। भारतीयों के प्रति उनका जो व्यवहार था वह अमानवीय था, अपमानजनक था। वह भारतीयों को भिकमंगे, नीची जाति, जंगली आदि कहकर संबोधित करते थे। लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक कहा कि सत्य का उच्चतम आदर्श दरअसल अंग्रेजी सभ्यता का ही परिणाम है। अर्थात इनका यह मानना था कि जो आदर्श है सत्य के भारत के, वह सॉरी भारत ने जो है जो भी सीखा है वह अंग्रेजी सभ्यता से सीखा है। वाइटमैन्स बर्डन मानते थे वह, उनका यह मानना था कि यह अंग्रेजों का कर्तव्य है कि वह काले लोगों को सभ्य करें। तो उनका जो पूरा एटीट्यूड था भारतीयों के प्रति वो भेदभावपूर्ण था, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था। इस एटीट्यूड का जो परिणाम था, इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष उत्पन्न होने लगा। उन्हें यह रियलाइज होने लगा कि हम उनसे क्यों मांगे, जबकि वह तो हमें जंगली, काले, नीच जाति के लोग मानते हैं। इससे भारतीयों के मन में विदेशियों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रीय साहित्य अब बहुत जो था वो राष्ट्रीय साहित्य पब्लिश होने लगा, और यह जो साहित्य था यह अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनका विरोध करने लगा, और भारत की जो रियल पिक्चर थी
किस तरह से भारत में अंग्रेजों के द्वारा दमन किया जाता है, किस तरह से अंग्रेजों की नीतियां भारत के लिए अहितकर घातक साबित हो रही है, यह जो साहित्य था यह उसे उजागर करने लगा। बिपिन चंद्र पाल का आनंद मठ, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम की बात की, यह राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावशाली। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल की सुंदरता को वर्णित करते हुए अंग्रेजी जो शासन था उसका विरोध किया और देशभक्ति की भावना जागृत करी। तो चाहे टैगोर का हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल का, या जो अन्य जितने भी राष्ट्रीय साहित्य थे, उन्होंने भारत के अंदर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है एक असंतोष को उत्पन्न करा। और इसी के साथ साथ जो उदारवादियों के द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही थी, जिसमें कि वह अंग्रेजों से अपनी मांग करते थे, अन्य विनय करते थे, उसे भी उन्होंने उसका भी उन्होंने विरोध जो है वह मुखर किया। अन्य कारणों की हम बात करें तो विश्व की जो घटनाएं थी उनका बहुत अधिक भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा। अभी तक यह माना जा रहा था कि अंग्रेजों जैसी या यूरोपीय देशों को हराना मुश्किल है, वह हर मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दे आर मोर पावरफुल देन ईस्टर्न कंट्रीज। जो यूरोपियन पावर्स हैं, अंग्रेज हैं, वह भारतीयों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, तो हम उन्हें युद्ध या अन्य किसी माध्यम से हरा नहीं सकते। किंतु 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एजिटिनिया के द्वारा इटली को हराया गया और 1905 में जापान के द्वारा रूस को पराजित किया गया। इन सब घटनाओं ने भारतीय जनमानस पर यह प्रभाव डाला कि यदि संगठित होकर सुव्यवस्थित तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध किया जाए तो हम उन्हें जो है हरा सकते हैं। तो इन घटनाओं का जो था वह भारतीय जनमानस पर बहुत प्रभाव पड़ा। अगले कारणों की हम बात करें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बढ़ता विश्वास। जहां उदारवादी नेता जो थे उन्हें अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति पर पूर्ण विश्वास था, वह उसे श्रेष्ठ मानते थे। अब जो उग्र राष्ट्रवादी थे वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो गौरव था, अतीत में जो उनका जो गौरव था, उस पर उनका पूर्ण विश्वास था। वह ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता समृद्ध है। 1893 के शिकागो के अधिवेशन के अंदर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और सभ्यता की बात की। अरविंद घोष, जो स्वयं अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति में पढ़े बड़े थे, वह इसके तीव्र आलोचक बने और उन्हें भारतीय सभ्यता की विशालता और समृद्धि पर आस्था रही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए है इसकी बात कही। तो अब ये जो उदारवादी नेता थे उन्होंने भारतीय सभ्यता की समृद्धि, उसका जो पुरातन गौरव था, वह जनता के समक्ष रखा और वह स्वयं भी जो थे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रशंसक एवं जो थे उनको उस पर दृढ़ विश्वास था। उग्र राष्ट्रीयता के उदय का जो एक प्रमुख कारण था वह था लॉर्ड कर्जन की नीतियां। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था उसने उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के प्रति बहुत सारी दमनकारी नीतियां अपनाई। उनकी जो प्रतिक्रियावादी जो उनका शासन था उसने भारत के अंदर असंतोष उत्पन्न करा और
उग्र राष्ट्रीयता के उदय का मैं कहूँ तो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन जो था वह उभर कर आया लॉर्ड कर्शन की नीतियां। लॉर्ड कर्शन का साम्राज्यवाद और जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी उसने भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न करा। गोखले जैसे उदारवादी भी लॉर्ड कर्शन की नीतियों की तीव्र आलोचना करते थे और वह लॉर्ड कर्शन के शासन को औरंगजेब के शासन से उन्होंने तुलना की, यानी गोखले ने लॉर्ड कर्शन का जो शासन था उसे औरंगजेब के शासन के समान माना। कर्शन ने जो था उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे नियम या कानून बनाए जिससे कि भारत का जो कंट्रोल था वह पूरी तरह अंग्रेजी शासक के हाथ में आ जाए और जो थोड़ी बहुत भी स्वायत्तता या स्वायत्तता थी उसको उन्होंने पूरी तरह से खत्म करा। उन्होंने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम जो था वह पारित करा। नगर में कलकत्ता नगर में स्वशासन को समाप्त करने व उस पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899 में पारित किया गया जिसमें भारतीयों की संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी गई। इस अधिनियम का लक्ष्य ब्रिटिश सदस्यों का जो नियंत्रण था वह कॉरपोरेशन पर स्थापित हो जाए। इस अधिवेशन के विरोध में कॉरपोरेशन के 28 सदस्यों ने त्याग पत्र भी दिया। दूसरी जो अधिनियम कर्शन द्वारा पारित किया गया वह था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1909 में पारित करा गया। इस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा सीनेट सिंडिकेट तथा संकायों के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई व विश्वविद्यालय को मान्यता देने या न देने के अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो यह जो अधिनियम था यह विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता एवं जो स्वायत्तता थी उस पर सीधा प्रहार था। इसी तरह से लॉर्ड कर्शन ने सरकारी गोप्य विषय अधिनियम 1904 पारित करा। इस अधिनियम के द्वारा असैनिक विषयों का भेद देने पर भी दंडनीय अपराध बना दिया गया। इस कदम से जो भारतीय समाचार पत्र थे और जो पत्रिकाएं थी उनकी स्वाधीनता को भी सीमित कर दिया गया। लॉर्ड कर्शन ने की साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत उन्होंने आस पास के देशों को भारत में मिलाने के लिए सैन्य कार्रवाई करी। इसमें भारतीय सैनिकों का प्रयोग किया जाने लगा और आवश्यक धन के लिए भारतीय जनता पर अधिक कर लगाए जाने लगा। इससे भारतीय जनता के बीच में असंतोष एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ। जो सबसे बड़ी या दमनकारी या कहूँ तो एक जो फूट डालो और जो राज करो वाली जो नीति की शुरुआत जो भी अंग्रेजों के द्वारा वो हुई बंग भंग विभाजन यानी बंगाल का विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्शन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और वहाँ शासन व्यवस्था को भली प्रकार एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल का विभाजन करना आवश्यक है, किंतु वास्तविक जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वह था भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना। गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार धर्म के नाम पर जनता को विभाजित करना एवं हिंदू मुसलमानों में फूट डालो और विभाजन करो कि साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप
विभेद एवं शत्रुता उत्पन्न करना इसका मुख्य कारण था, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का विभाजन किया गया तो यह बात बंगाल का जो विभाजन किया गया उसमें बेसिकली ये देखा गया कि एक प्रांत को हिंदू मेजोरिटी बनाया गया और एक को मुस्लिम मेजोरिटी बनाया गया। तो जो तर्क दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि यह जो विभाजन किया जा रहा है ये प्रशासनिक सुगमता के लिए किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं था। बेसिकली जो रियल एम था ब्रिटिशर्स का इस समय तक हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करना, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति की शुरुआत करना, और उन्होंने बंगाल विभाजन के द्वारा ये ही किया। इन सब कारणों के कारण, या अब हम कहें तो कांग्रेस का जो नेतृत्व था अब उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगा था। कांग्रेस के नेतृत्व को रियल पिक्चर्स ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की जो सही पिक्चर थी उनका, जो मैं कहूँ तो जो अंग्रेजों की सही सोच थी, अब वह उसे समझने लग गए थे। अब वह अंग्रेजों को न्यायप्रिय नहीं मानते थे। उनका यह मानना था कि अंग्रेज जो है वह भारत में अपने साम्राज्यवादी हितों को साधने आया है और वह उन साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने के लिए ही यहाँ है, उन्हें भारतीय हितों से कोई भी सरोकार नहीं है। इस नेतृत्व का जो बेसिक दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन आया। अब यह जो नेतृत्व था यह स्वदेशी सभ्यता संस्कृति धर्म और शिक्षा को महत्व देने लगा था। लाला लाजपत राय को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक स्वावलंबन पर बल देने लगे थे। तिलक ने गणपति महोत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। वहीं दूसरी ओर विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा जैसे धार्मिक उत्सवों को अपनाते हुए राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने की बात करी। तो ये कुछ कारण थे जिससे कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जो था वह उदय हुआ। मेरे ख्याल से आपको मेरा आज का ये जो परिचर्चा है वह समझ में आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम उग्र राष्ट्रवाद की कार्य पद्धति और उनका मूल्यांकन करेंगे। थैंक यू।